महा कार्टून टीवी। लड़की निकली जल परी। ओहो, आज फिर से देर हो गई। रीना मेरी राह देख रही होगी। अब एक काम करती हूँ, जल्दी से तैयार होकर निकलती हूँ। रानी बेटा, जरा यहाँ तो आना। क्या हुआ माँ? बेटा, फिर से तुम्हारी बहन पता नहीं कहाँ बिना बताए चली गई। आखिर ये लड़की रोज रोज जाती कहाँ है? माँ, इससे आप ही बात करना, मैं तो समझा नहीं सकती इसे। आ जाने दो जरा इस लड़की को, आज अच्छे से डांट लगाऊंगी, तभी जाके सुधरेगी। चलो मैं निकलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। ठीक है, आते समय कुछ सब्जी ले आना, रात को पकाने के लिए घर में कुछ है भी नहीं। ठीक है माँ, ले आऊंगी। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। संभल कर जाना बेटा। ओ सॉरी रीना, आज मैं फिर से लेट हो गई। कोई बात नहीं, वैसे भी अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है। तो तुम रेडी हो ना स्विमिंग कॉम्पिटिशन के लिए? हमेशा। वाह, आज तो मजा ही आ गया। हाँ, आज तो बहुत ही मजा आ गया। वाओ, डॉल्फिन्स कितनी प्यारी है ना। हाँ, ओह ये देखो, लगता है ये तुमसे शायद दोस्ती करना चाहती है। नहीं रूबी, तुम्हें इसका नाम पता है? हाँ। अरे ये तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? ये क्या हुआ, कैसे हुआ ये? हाँ, कौन हो तुम? अच्छा अच्छा, पहले तुम शांत हो जाओ रानी, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। ठीक है, जल्दी बताओ। मैं एक जल परी हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो तुम्हें कितने समय से जानती हूँ, मैंने कभी तुम्हें इस टेल के साथ नहीं देखा। तुम जमीन पर भी चल सकती हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला कि एक जलपरी इतने सालों से मेरी दोस्त और वो आम लोगों की तरह ही हमारे साथ रहती है। ओहो, मेरी बात तो सुनो रानी, मैं हमेशा से ही एक जलपरी थी। मैं इस लॉकेट के जरिए जब चाहूँ तब एक लड़की या एक जलपरी में बदल सकती हूँ। मतलब सारी ताकत इस लॉकेट में है। क्या मैं भी इससे जलपरी बन सकती हूँ? नहीं, ये सिर्फ मुझे इंसानी रूप लेने में मदद करता है। अगर ये मेरे पास नहीं होगा तो मैं इंसान का रूप कभी नहीं ले पाऊंगी और जलपरी बनकर ही रह जाऊंगी। लेकिन जलपरी होना तो कितना अच्छा है, फिर तुम्हें इंसान बनने की क्या जरूरत है? अब हमारी प्रजाति खत्म होती जा रही है और इंसानों से बचने के लिए मुझे इंसानी रूप लेकर ही रहना पड़ता है। वादा करो तुम ये राज किसी को भी नहीं बताओगी, अपने परिवार को भी नहीं। मुझे पता है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बात किसी को ना ही पता चले तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं कभी भी किसी को तुम्हारा राज नहीं बताऊंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे एक जलपरी की तरह तैरना सिखाना होगा। तुम तो वैसे भी बहुत अच्छा तैरती हो। देखो, अपने पैरों को जोड़ो और मेरी तरह तैरो। अब काफी देर हो गई है, मुझे घर चलना चाहिए। ठीक है। आ गई, आज काफी देर कर दी आने में। हाँ, आज वो स्विमिंग करने में बहुत मजा आया। चलो अच्छा है। अच्छा, सब्जी ले आई? हाँ ले आई। चलो ठीक है, मैं खाना बना देती हूँ, तुम जल्दी से कपड़े बदल कर मेरी मदद कर दो। कितना मजेदार है कि एक जलपरी मेरी दोस्त। क्या हुआ तुम्हें, जब से आई हो कुछ अलग सा व्यवहार कर रही हो। बेटा सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब सही है। आपने रेखा से बात की कि वो रोज सुबह कहाँ जाती है? हाँ, वो बता रही थी कि स्कूल में रेस है, उसी की तैयारी करने के लिए पास वाले मैदान में जाती है। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन उसकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। तू ही समझा उसे, ऐसे तो वो फेल हो जाएगी।
आप फिक्र मत करो माँ, मैं उससे बात करूंगी। ठीक है। तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है रेखा? अच्छी चल रही है दीदी। अच्छा, सिलेबस कितना पूरा किया है तुमने? सिलेबस? किस चीज का सिलेबस? तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, उसी का सिलेबस। वो तो पूरा कर लिया दीदी। बहुत बढ़िया, लाओ अपनी किताब दिखाओ जरा, मैं तुम्हारा टेस्ट लेकर देखती हूँ। चैप्टर 1, जलपरी। वाह। कोई जलपरी नहीं होती, इसीलिए मैंने ये पाठ नहीं पढ़ा। क्या, तुमने किससे कहा कि जलपरी नहीं होती? हाँ, जलपरी होती है, मैंने खुद देखी है। क्या सच में आपने जलपरी देखी? कैसी लगती है वो? कहाँ देखी आपने, बताओ ना मुझे। अरे धीरे बोलो, ये बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे पूरी बात बताओ तो, देखी कहाँ आपने जलपरी? मेरी दोस्त रीना है ना, वो एक जलपरी है, ये बात मुझे आज ही पता चली है। वाह, ये कितना मजेदार है, मुझे भी उसे देखना है दीदी। मैं रीना से बात करके फिर तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। ये थैंक यू दीदी। हाँ हाँ ठीक है, अब पढ़ लो अच्छे से, चलो तुम्हें तभी रीना से मिलवाऊंगी। ठीक है दीदी। दीदी मुझे भी ले चलो ना अपने साथ। ठीक है चलो। हेलो रीना, कैसी हो? हेलो, मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये मेरी छोटी बहन है रेखा, तुमसे मिलना चाहती थी, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ही ले आई। मुझे माफ़ करना रीना, मैंने गलती से इसे तुम्हारे जलपरी होने का राज बता दिया। क्या, ये क्या किया तुमने? मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो तुम रो मत, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन ये बात अब किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, अब ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। मैं भी वादा करती हूँ, मैं किसी को भी आपके बारे में नहीं बताऊंगी। सभी बच्चे अपनी अपनी आंसर शीट यहाँ जमा कर दो, और अब मैं आप सबको रिसर्च के बाद मिलूंगा। कैसा गया टेस्ट? मेरा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, अब तो भगवान ही मुझे बचा सकते हैं। तुमने अब भी पढ़ाई नहीं की। लगता है तुम्हारा टेस्ट अच्छा गया है। हाँ, और देखना सबसे अच्छे नंबर भी मेरे ही आएंगे। अच्छा है, लेकिन तुमने इतने कम समय में इतनी सारी पढ़ाई कैसे कर ली? अरे ये तो जलपरी वाला पार्ट था ना, इसीलिए मुझे इसके बारे में सब पता था। कैसे? अरे वो मैंने सच में एक जलपरी देखी थी ना, इसीलिए। क्या? अरे ये मैंने क्या किया? भलू ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि मुझे भी वो जलपरी देखनी है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर उन्हें पता लगा तो वो बहुत नाराज होंगे। तुम बस मुझे वो जगह बता दो, मैं खुद जाकर देख लूंगा, और उनको पता भी नहीं चलेगा कि तुमने मुझे बताया है। ठीक है, लेकिन किसी को मत बताना। वो रोज सुबह बीच पर जाती है, तुम लोग वहीं उन्हें देख सकते हो। ठीक है। अरे सुनो सुनो। क्या क्या? तुम्हें पता है क्या, जलपरियां सच्ची में होती हैं? सच्ची होती है? दीदी मुझसे एक गलती हो गई, मैंने भल्लू को जलपरी के बारे में सब बता दिया, और उसने बाकी सबको बता दिया। ये तुमने क्या किया? मैंने समझाया था ना तुम्हें, अब मैं रीना को क्या जवाब दूंगी? रीना रीना मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हारे बारे में सबको पता चल गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब मुझे ही यहाँ से दूर जाना होगा। मैं जानती हूँ कि मेरी ही गलती है,
और अब मैं ही इसे सही करूंगी। भला इसे तुम कैसे ठीक कर सकती हो? मेरे पास एक प्लान है जिससे हम सबको बेवकूफ बना सकते हैं और तुम्हारी सच्चाई भी छिपा सकते हैं। लेकिन कैसे? कल मैं यहाँ पर सबको जलपरी को देखने के लिए बुलाऊंगी। आइए आइए आइए, आज आपको जलपरी देखने के लिए मिलेगी। वो रही रानी जलपरी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी तो जलपरी थी ही नहीं। दीदी जलपरी कैसे बन गई? रीना जलपरी है। देखो देखो कैसे जलपरी कर रही है। अब आपको एक बात और बतानी है। रानी बाहर आ जाओ। मैं कोई जलपरी नहीं हूँ। ये बस रेखा का ध्यान पढ़ाई में लगी, इसीलिए हमने नकली जलपरी बनने का नाटक किया था और वो सफल भी हुआ। लेकिन रेखा ने ये बात सबको बता दी, जिसे आप सब सच समझ बैठे। हाँ, असल में तो जलपरियाँ होती ही नहीं है, ये बात तो आप सब भी जानते हैं। अरे हाँ हाँ, हमें तो पता है कि जलपरी नहीं होती, हम तो बस यूं ही आ गए थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानी, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मुझे फिर से कहीं अकेले रहना पड़ता। दोस्तों को शुक्रिया नहीं बोला करते। चलो फिर से एक स्विमिंग कंपटीशन हो जाए। क्यों नहीं। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।